कई ऐसी कहानियां जो दोस्त को सुनाओगे तो वो तुम्हें 150 रुपए देगा। बट उस समय अगर आप भी पढ़ने लिखने वाले लड़के हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, 1955 में फ्लाइट 914 नामक एक प्लेन ने उड़ान भरी पर वो कभी भी अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाया। फिर 37 साल बाद बनी जिला में ट्रैफिक कंट्रोलर ने एक प्लेन उनकी रनवे की तरफ आते हुए दिखा। उसमें पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए लोग बैठे हुए थे। तभी प्लेन के पायलट ने वहां खड़े हुए लोगों से तारीख पूछी। उन्होंने कहा 21 मई 1992। ये सुनते ही पायलट के पसीने छूट गए। तभी पायलट ने खिड़की खोलकर सबको सामने से हटने के लिए कहा, पर तभी उसके हाथ से एक पर्चा गिर गया और वो से तुरंत भाग गए। एक आदमी ने उस पर्चे को उठाया, वो एक कैलेंडर का पन्ना था जो कि साल 1955 का था और यही फ्लाइट 914 था। इसको बहुत ढूंढा गया पर ये नहीं मिला। पर ये कहानी सच नहीं है, इसे एक न्यूज़पेपर ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए छापा था। नंबर 2, अमेरिका की एक लड़की को हॉस्पिटल जाना पड़ा। दरअसल वो कैंडी क्रश का बहुत बड़ा फैन था। वो एक हाथ से गेम खेलता था और दूसरे हाथ से खाना खाता था और 8 हफ्तों तक लगातार गेम खेलने की वजह से उसके अंगूठे में दर्द होने लगा और उसे मसल इंजरी हो गई, जिसके लिए उसे सर्जरी करानी पड़ी।